नमस्कार, सी विजिल के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि एरो लॉगिन से सी विजिल को किस तरह यूज करते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेटर टीम के द्वारा जब कोई केस का रिपोर्ट फॉरवर्ड किया जाता है एरो के पास, तो उसको किस तरह से प्रोसेस करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। यह लॉगिन का पेज है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, एआरओ लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दिया गया है, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कीजिएगा और सेंड ओटीपी पे जो ही क्लिक कीजिएगा तो ओटीपी उनके मोबाइल पे चला जाएगा और फिर वो ओटीपी इंटर कर आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास एक नया विंडो ओपन होगा, वो विंडो इस तरह का दिखेगा। वो टोटल केस यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने केस आपके पास फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा आपके पास फॉरवर्ड किया गया है। आपके पास टोटल 50 मिनट का टाइम रहेगा कि उस केस को सिलेक्ट कर उसका रिपोर्ट सबमिट करना है, उसको डिस्पोज करना है। तो मान लीजिए इसको हमको यदि डिस्पोज करना है या फिर इस पे कुछ प्रोसेस करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। जो ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो ओपन होगा, वो विंडो आपको इस तरह का दिखेगा कि वह केस कहाँ से आया है, किस लोकेशन से आया है, किस टाइप का है, किस डेट्स पे आया है, वो टोटल का टोटल रिपोर्ट आ जाएगा। और क्या फील्ड फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा क्या रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट किया गया है, वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। फील्ड यूनिट के द्वारा कौन सा पिक्चर भेजा गया है या फिर कोई पीडीएफ भेजा गया है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर वो देख सकते हैं। और वह किस टीम के द्वारा भेजा गया है उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर, टोटल का टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। फिर अब हमको उस पर उसको उस केस को प्रोसेस करना रहता है, तो प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्शन ऑप्शन है, यहाँ पे सेलेक्ट एक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेगा, एक केस है ड्रॉप, एक केस है डिस्पोज, एक केस है एक्सेलरेट। यदि आप किसी केस को ड्रॉप करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि वह केस आचार संहिता से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह केस अभी विद इन टाइम 50 मिनट के अंदर आपका वो केस सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप यहां पे एक्सेलरेट ऑप्शन सेलेक्ट कर सबमिट जब आप क्लिक कीजिएगा, रिप्लाई में कुछ लिख करके जब रिप्लाई टू सिटीजन कीजिएगा तो वह केस एक्सेलरेट हो जाएगा और वह केस एनजीएसपी के लॉगिन में चला जाएगा और वह केस एनजीएसपी के ही लॉगिन से वह केस डिस्पोज होगा। और यदि कोई केस सही पाया जाता है तो उसका यदि सही काउज, सही रीजन हमको प्राप्त हो जाता है, उस पर एक्शन ले लिया जाता है, तो आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज करने के लिए डिस्पोज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टोटल रिपोर्ट हम लिखेंगे कि हम इसको डिस्पोज इस कारण से कर रहे हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट यदि हमको अपलोड करना रहेगा तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर रिप्लाई टू सिटीजन पर क्लिक जो ही करेंगे तो जो सिटीजन इस केस को दर्ज किया है उसके पास एक मैसेज भी चला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन हो गया है और यह डिस्पोज भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड का मतलब है यदि आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइप के एक्टिविटीज़ को हम देखना चाहते हैं कि वह केस कहाँ तक किस स्थिति में प्रोसेस किया गया है, तो यहाँ पर आकर के ऑल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है असाइन टू एफयू, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड टीम को कौन कौन सा केस असाइन किया गया है, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम को कौन कौन सा केस गया है तो यहाँ पर वो डिस्प्ले आपके पास होता रहेगा, दिखता रहेगा। यदि आप रिजेक्टेड केस सेलेक्ट करते हैं तो जो जो केस फील्ड यूनिट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है वो टोटल का टोटल केस यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। यदि फील्ड यूनिट के द्वारा कोई केस एक्सेप्ट किया गया हो तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय एफयू सेलेक्ट कीजिएगा तो वो टोटल का टोटल केस यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि कौन कौन सा केस फील्ड यूनिट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है।
फिर इन्वेस्टिगेटेड यदि कोई रिपोर्ट यदि सबमिट कर देता है फ्लाइंग स्क्वाड टीम फील्ड यूनिट, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसको आप प्रोसेस भी कर सकते हैं। और उस प्रोसेस करने के लिए सेम कंडीशन है कि आप यहाँ पर नीचे आइएगा, एक्शंस को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर नीचे में फिर आप रिप्लाई में कुछ रिपोर्ट लिखिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप फील्ड यूनिट के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट दिया गया है वो अभी आप देख सकते हैं। फिर यदि डिसाइडर यानी कि आप यदि किसी केस को ड्रॉप कर दिए हैं तो वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा केस आपने ड्रॉप किया है। और यदि कोई केस यदि आपने एक्सेलरेट कर दिया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर वह भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा केस हमने एक्सेलरेट किया है और वह किस स्थिति में अभी उस पर क्या प्रोसेस किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केस स्टेटस एक्सेलरेटेड, यहाँ पर वो टोटल डिटेल्स है, एफयू का टोटल रिपोर्ट है, यहाँ पर फोटो कौन सा फोटो भेजा है वो भी है, रिप्लाई ऑफ आरओ वो भी है, इंटरनल रिप्लाई ऑफ आरओ वो भी यहाँ पे है, एनजीएसपी केस स्टेटस वह वहाँ पर ओपन हुआ है या नहीं, उस पर कुछ प्रोसेस किया गया है नहीं, वो टोटल का टोटल रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सुपरवाइजर के बारे में। यहाँ पर एक ऑप्शन है सुपरवाइजर लिस्ट, एक सुपरवाइजर भी हो सकता है, आप सुपरवाइजर के थ्रू भी इसके लॉगिन को यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सुपरवाइजर लिस्ट पे क्लिक कर एक क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से एक नया विंडो ओपन होगा। उस नए विंडो में आप ऐड मोर पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें आपको सुपरवाइजर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजिग्नेशन ये टोटल का टोटल फिल कर ऐड सुपरवाइजर यूं ही कीजिएगा तो वो ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होने के बाद आपको उसके स्टेटस को एक्टिव करना पड़ेगा, जब आप एक्टिव कीजिएगा तो वो लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा, वो लॉगिन करने लगेगा। इस ट्रेनिंग वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।